हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक गाइडेंस। फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ला रहे हैं। वो क्या है जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय रेल में आने वाले समय में कब होंगी भर्तियां, कैसे होंगी, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। पीयूष गोयल जो कि नए रेल मंत्री हैं, उन्होंने अपनी पहली बैठक ली और उन्होंने जो रेल भर्तियों पर रोक लगी थी उन्हें हटाने का फैसला लिया और वो रोक हटा दी गई है। फ्रेंड्स, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि रेलवे की सेफ्टी कैटेगरी में 1 लाख पदों पर भर्ती, कई दुर्घटना के बाद भर्ती से रोक हटाने का लिया फैसला। कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है आजकल, जो रिसेंट में जो दुर्घटना रेलवे में हुई है, ट्रेन पलटना और एक्सीडेंट होना, इसके कारण रेल प्रशासन अब जाग गया है और बड़ी संख्या में रेलवे में भर्ती कराने का निर्णय लिया है। पूरा आर्टिकल है, देर आए दुरुस्त आए। रेलवे ने संरक्षा श्रेणी में 1 लाख कर्मचारियों की भर्ती का फैसला लिया है। कई दुर्घटना और भारी उलटफेर के बाद रेलवे को यह बात समझ में आई कि दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए तकनीक के साथ साथ उपकरणों, सामानों और कर्मचारियों की कमी भी दूर करनी पड़ेगी। इन भर्तियों पर लंबे समय से रोक लगी हुई थी। रेल बोर्ड अधिकारी के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल की पहली मैराथन बैठक के बाद से ही संरक्षा को लेकर रेलवे की सोच में बदलाव दिखाई देने लगा है। फ्रेंड्स, ये जो भर्तियां हैं इनमें सबसे बड़ा निर्णय सेफ्टी कैटेगरी के 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती का है। बैठक में महानिदेशक ने कहा कि सेफ्टी कैटेगरी में जूनियर इंजीनियरों तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियरों की 70% भर्ती का निर्णय लिया गया। अगले 3 माह में बड़ी संख्या में सहायक स्टेशन मास्टर तथा गार्ड की भर्ती होगी। इसके अलावा ग्रुप सी के 50% पदों को रेलवे भर्ती बोर्ड RRB के माध्यम से भरा जाएगा। उन्होंने ग्रुप डी के आधे पदों को RRB और शेष पदों को रेलवे भर्ती RRC के मार्फत भरे जाने की जानकारी दी। बैठक में सेफ्टी श्रेणी के कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए, फ्रेंड्स ये थी लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। फ्रेंड्स, जो लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की उनको जॉब चाहिए, वो लोग अपनी प्रिपरेशन और टाइट कर दे। आपके पास 3 महीने का वक्त है। 3 महीने बाद रेलवे में कई भर्तियां निकलेंगी, कई संख्या में भारी मात्रा में जॉब्स आएंगी, तो आप उन्हें भरिए और फिल कीजिए और अपनी जॉब कंफर्म कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।